अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आई हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने वाली हूँ गोला कबाब, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास वाली बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। यहाँ मैं आधा किलो मटन खीमा ली हूँ, इसे मैं अच्छी तरह से वॉश करके ली हूँ। एक मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे। दो चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मिक्सी में बारीक करेंगे। इसे इस तरह से मुलायम बारीक करना है। अब हम इसे स्मोक देंगे। इसके बीच में मैं एक प्याली रखी हूँ और इसमें कोयला गरम करके डाली हूँ। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे ढक के रखेंगे एक 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद कोयला निकालेंगे और इसे आधा घंटा मैरिनेट के लिए रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसमें 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला के लेंगे। इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे और स्टिक में डालेंगे। इस तरह से हमें करना है। 4 चम्मच ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखी हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें हम गोला कबाब डालेंगे। इसकी फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे शेल फ्राई करेंगे। 5 minutes later. इसके हम साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड को भी हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोला कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। गोला कबाब हमारा रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही मुलायम रहते हैं। आप जैसे ही इसे खाओगे तो मुंह में घुल जाएंगे। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। अब रमजान का महीना आ रहा है तो आप जरूर इसे बनाइए। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।